Hi kids, welcome back to your SST class and I'm your teacher and mentor Ananya and I'm back with a new lesson of your book that is Jelly Bean Journeys for Class 5 by Brain Root Publications. Children, today we are going to start a new chapter, that is chapter number 16 of your book, which is the Revolt of 1857. Hai na? 1857 ki jang, kranti. Theek hai? आज हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे. आप सभी को पता है कि कई सालों तक ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर राज किया, लगभग 200 साल तक. ठीक है, और कितनी ही मुश्किलों के बाद हमने जो है अंग्रेज़ों को इंडिया से बाहर निकाला और फाइनली हम स्वतंत्र हुए. इस स्वतंत्रता संग्राम में, है ना, ये जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, इसमें कई लोगों ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई है. मैनी ऑफ द इम्पॉर्टेंट पीपल एंड फ्रीडम फाइटर्स हैव फॉट ब्रेवली एंड गिवन देयर लाइव्स टू गिव अस अ फ्री इंडिया इन विच वी आर लिविंग टुडे. So let us understand what was the situation in that period and how people started the revolt against the Britishers. क्या ऐसा हुआ कि लोगों ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में क्रांति की एंड फाइनली जो इन लोगों में एक भावना थी कि हमें आज़ाद होना है, वो किस तरह से लोगों में उत्पन्न हुई. So let's begin. In this chapter we will study about the East India Company, okay? The Battle of Plassey, domination of the British, Revolt of 1857 and after Revolt of 1857. तो इसमें हम बहुत important chapters पढ़ेंगे कि किस तरीके से different topics, मतलब Britishers कब इंडिया में आए, कैसे आए और फिर किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर अपनी companies establish की और फिर क्या हुआ, कैसे उन्होंने अत्याचार करना शुरू किया और फिर लोगों ने किस तरह से उनके खिलाफ आवाज़ उठाई. अब ये करने से पहले हम जान लेते हैं कि ऐसे ही कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट स्वतंत्रता सेनानी हैं या फ्रीडम फाइटर्स हैं जो बहुत पॉपुलर हैं. उन्हीं में से एक की फ़ोटो यहाँ दी हुई है. डू यू रिकॉग्नाइज द गिवन इमेज, आइडेंटिफाई एंड राइट हिज नेम. क्या आप इनका नाम बता सकते हैं? ही इज़ द फेमस मंगल पांडे. नेम द फिल्म मेड ऑन हिज लाइफ, राइजिंग. द राइजिंग मंगल पांडे के नाम से एक फिल्म बनी थी. ऑलराइट, which actor played his role? Aamir Khan played his role. Okay, so you can do more research on this, even you can watch the movie to understand better the condition of people at that time. So let's begin with the chapter now. East India Company. India has always been known for its wealth. People from various countries have always looked forward to establishing trade relation with India. Traders from various countries, including Portuguese, Dutch, French and British, arrived in India as traders. The British East India Company also arrived in India and established trading centers in the country. Soon, they defeated Portuguese, Dutch and French and became very powerful. अब बेटा, क्रांति की शुरुआत होने से पहले हम थोड़े साल पीछे चले जाते हैं. ठीक है, पहले हमें जानना ज़रूरी है कि ये ब्रिटिशर्स हमारे देश में क्यों और कब आए और कैसे आए. करीब 16th सेंचुरी में, 16वीं शताब्दी के आसपास, एक पोर्टुगीज एक्सप्लोरर और नेविगेटर वास्को डी गामा ने इंडिया का सी रूट ढूंढ के निकाला और आकर कालीकट नाम की एक जगह पे उतरे. जब वो यहाँ आए तो ही वॉज मेस्मराइज्ड बाय द वेल्थ एंड रिचनेस ऑफ इंडिया. उन्होंने देखा कि इंडिया काफ़ी समृद्ध जगह है और स्पेशली उनको जो सबसे अच्छी चीज़ लगी वो थे यहाँ के मसाले. ठीक है, साउथ इंडिया इज़ अ हब ऑफ स्पाइसेस. जो हमारा साउथ इंडिया है, यानी केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, यहाँ पे वैरायटी ऑफ स्पाइसेस मिलते हैं. यहाँ के मसाले सबसे ज़्यादा शुद्ध और सबसे ज़्यादा वैरायटी में अवेलेबल हैं. जब वो यहाँ आए तो उन्हें लगा कि इन मसालों की डिमांड तो बाहर के कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है, विदेशों में बहुत ज़्यादा है, क्यों ना वो यहाँ से कुछ सैम्पल्स लेके अपने देश जाएं. उन्होंने यहाँ से कुछ व्यापारियों से सैम्पल्स खरीदा और अपने देश चले गए. वहाँ इन मसालों की बड़ी भारी कीमत थी, लोगों को ये मसाले बहुत पसंद आए.
तब पोर्टुगीज के लोगों ने सोचा क्यों ना हम इंडिया के साथ व्यापार संबंध बनाएं, यानी ट्रेड एस्टैब्लिश करें, मतलब यहाँ से हम मसाले खरीद के लेके आएंगे बल्क में, इंडिया से खरीदेंगे और खरीदने के बाद उसे वेस्टर्न कंट्रीज में हायर कीमत पे बेचेंगे, इस तरीके से प्रॉफिट करेंगे। सो सबसे पहले पोर्टुगीज आए, पोर्टुगीज के बाद ही आए डच, डच के बाद आए फ्रेंच, और फ्रेंच के बाद आए ब्रिटिशर्स। ये सभी लोग एक एक करके एक के बाद एक आए इंडिया में व्यापार करने के लिए, ठीक है। और जब ये सब लोग आ गए तब क्या हो गया, इन लोगों में आपस में जंग छिड़ गई कि कौन इंडिया में सबसे ज़्यादा व्यापार करेगा। लोगों में जंग छिड़ने के बाद इन लोगों की बैटल्स हुई, जिनको हम आगे कर्नाटिक वॉर्स के नाम में पढ़ेंगे जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, ठीक है। जब इनमें जंग हुई तो फाइनली कोई हारता है कोई जीतता है, तो ब्रिटिशर्स जो हैं वो जीत गए और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया। वो यहाँ पर दोस्ती करने आए, मतलब उन्होंने इंडिया के व्यापारियों और ट्रेडर्स के साथ दोस्ती की और फिर अपनी एक कंपनी एस्टैब्लिश कर ली। लेकिन उनका एक्चुअल इरादा कंपनी चलाने का नहीं था, उनका कंपनी की आड़ में धीरे धीरे इंडिया पर कब्जा करने का इरादा था। उन्होंने जब देखा कि इंडिया तो सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता है भारत को क्योंकि धन धान्य से संपन्न था, भारत में हर तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी उस टाइम पे, ठीक है ना, खेत, हरे भरे खेत, सब बच्चे जो हैं सोने के गहने पहनते थे, सोना बहुत क्वांटिटी में अवेलेबल था, हर तरह से भारत बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव था, ठीक है। तो उन लोगों ने सोचा कि अगर हम किसी तरह से भारत पर कब्ज़ा कर ले तो फिर हम लोग भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में आ जाएंगे, हम इन इस कंट्री पर राज करना शुरू कर देंगे। इन 1615 द मुगल एम्परर जहांगीर अलाउड द EEIC टू सेटअप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत। सबसे पहली फैक्ट्री जहांगीर ने अलाउ की ब्रिटिशर्स को सूरत में लगाने के लिए। दिस अलाउड द EEIC टू क्रेडिट ट्रेड विद द मुगल टेरिटरी। इसने मुगल टेरिटरीज में जो EEIC यानी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को ट्रेड करने के लिए परमिशन दे दिया। बाय 1623 द ब्रिटिश हैड सेटअप देयर ट्रेडिंग पोस्ट इन सूरत, बरोच, अहमदाबाद एंड आगरा। अलग अलग जगहों पर उन्होंने अपने अलग अलग छोटे छोटे फैक्ट्रीज लगा लिए। The Battle of Plassey. After the death of Aurangzeb in 1707, the East India Company became ambitious. Aurangzeb की मृत्यु के बाद इन लोगों को लगा कि अब मुगलों का राज तो धीरे धीरे पकड़ जो है वो ढीली पड़ती जा रही है, क्योंकि औरंगजेब के बाद मुगल कोई इतना पावरफुल एम्परर था ही नहीं, और जो हमारे छोटे छोटे राज्य थे, जो अलग अलग किंगडम्स थे, जैसे पंजाब, महाराष्ट्र, हैदराबाद, इन सब के जो राजा महाराजा थे ना, ये आपस में ही मगन थे, ये लोग खुद को एक दूसरे से ज़्यादा पावरफुल दिखाने की कोशिश करते रहते थे। जो महाराष्ट्रियंस थे या मराठा साम्राज्य था वो खुद को पावरफुल समझता था, जो पंजाब था वो अपने पंजाब प्रदेश से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड था, जो बंगाल के लोग थे, बंगाल के नवाब जो थे वो लोग अपने जो उनका जो रियासत था उससे बहुत खुश थे, ये सब जुड़े हुए नहीं थे, और इसी का फ़ायदा ब्रिटिशर्स ने खूब उठाया। Alright, the company kept its own army to protect their trade. They wanted to bring Bengal under their control. उस दौर में बंगाल सबसे richest province हुआ करता था, यानी सबसे ज़्यादा रिच एरिया हुआ करता था, और कंपनी ने सोचा क्यों ना हम बंगाल को कब्ज़ा कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बंगाल पे कब्ज़ा कर लेंगे तो फिर सब चीज़ों पे कब्ज़ा हो जाएगा। बंगाल जो आज का बंगाल है वैसा नहीं था उस टाइम पर, बांग्लादेश भी बंगाल का एक पार्ट था, इंडियन सबकॉन्टिनेंट और बड़ा था, इवन पाकिस्तान भी इंडिया का ही उस टाइम पे पार्ट हुआ करता था, तब पार्टीशन नहीं हुआ था। ऑलराइट, दस दे स्टार्टेड बिल्डिंग अ नंबर ऑफ फोर्ट्स एंड सेटलमेंट्स इन 17th century, और उन्होंने सोचा क्यों ना हम अलग अलग फोर्ट्स बना दें जहाँ पर हमारी आर्मी जो है रह सके और मौका मिलते ही हम कब्जा कर लें, ठीक है। दे ऑल्सो स्टेशन देयर फोर्सेज इन बंगाल। व्हेन सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल, ही ऑर्डर्ड द ब्रिटिश टू रिमूव देयर आर्मी एंड स्टॉप देयर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एट दे डिड नॉट पे एनी टैक्सेस। ब्रिटिशर्स ने स्पेशल सैंक्शन करवाया हुआ था ताकि उन्हें टैक्स फ्री
ट्रेड करने दिया जाए। उन्होंने दो मुगल एम्परर्स के साथ दोस्ती के चलते सब कुछ टैक्स फ्री करवाया हुआ था, तो इसीलिए उन्हें टैक्सेस नहीं पे करने पड़ते थे। जब सिराजुद्दौला राजा बने तब उन्होंने ब्रिटिशर्स को जो है फोर्ट्स बनाने से रोक दिया। उन्होंने कहा किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन नहीं होगा मेरे एरिया में, यानी बंगाल में किसी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, क्योंकि आप कोई टैक्स नहीं पे करते, आप सिर्फ यहाँ व्यापार के लिए आते हैं, इन यहाँ की धरती पर आपका कोई अधिकार नहीं है। अब ब्रिटिशर्स को लगा कि इस तरीके से तो हमारी जो प्लानिंग है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाएगी, अगर सिराजुद्दौला रहा तो वो तो हमारी चालाकियों को पकड़ लेगा, तो इसीलिए सिराजुद्दौला को रास्ते से हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, जो फोर्ट वो कंस्ट्रक्ट कर रहे थे उसको भी अपने कब्ज़े में ले लिया और कई सारे ऑफिशियल्स जो उनकी बात नहीं मानते थे उनको भी कैद में डाल दिया। दिस इंसिडेंट इन्फ्यूरिएटेड द ब्रिटिश। अब ये जो इंसिडेंट था इससे वो लोग तिलमिला उठे, ब्रिटिशर्स को इससे पहले किसी ने ज़्यादा रोका टोका नहीं था, तो वो समझते थे कि हर कोई उनको अपनी मनमानी करने देगा, लेकिन जब सिराज ने उन पर रोक लगाई तब उन्हें गुस्सा आ गया, वो तिलमिला उठे। दे अटैक्ड बंगाल इन 1757, उन्होंने एकदम से बंगाल पर अटैक कर दिया और फाइनली बैटल ऑफ प्लासी हुआ। प्लासी एक जगह का नाम है जहाँ पर युद्ध लड़ा गया, और वहाँ पर बैटल होने के बाद युद्ध में दो युद्ध हुए थे, पहले वाले में तो सिराज जीत गए थे, फिर सेकेंड टाइम फिर से ब्रिटिशर्स ने जब अटैक किया तब सिराज जीत नहीं पाए, तब सिराज को उन लोगों ने हरा दिया और फाइनली उन्होंने बंगाल को अपने कब्जे में कर लिया। ऑलराइट, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। द ब्रिटिश रिमेन डिटरमाइंड टू टेक कंट्रोल ओवर द होल इंडिया। अब यहाँ तक ही सीमित नहीं था, बंगाल तक ही वो नहीं रुके, अब तो उनके इरादे और मजबूत हो गए। जब उन्होंने सबसे रिचेस्ट प्रोविंस को ही अपने अंडर में ले लिया, उन्होंने सोचा बाकी छोटे मोटे राज्य तो हम आराम से अपने कब्जे में कर लेंगे। उन्होंने एक एक करके हर नवाब को डराया, धमकाया, या फिर दोस्ती किसी के साथ दोस्ती की, किसी को डराया, किसी पे हमला किया, और एक एक करके जो छोटे छोटे किंगडम्स थे उनको अपने कब्जे में कर लिया। दे ऑलवेज स्टार्टेड टू टेक द एडवांटेज, उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेलनी शुरू की, जो छोटे मोटे नवाब थे या छोटे छोटे किंगडम्स थे उनको आपस में लड़ा दिया, ठीक है, दो राजाओं को आपस में लड़ा दिया और फाइनली खुद दोनों राज्य को अपने कब्जे में कर लिया। द ब्रिटिश हेल्ड वन रूलर अगेंस्ट द अदर एंड गेन पावर एंड वेल्थ ओवर द टाइम। दिस पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश वॉज नोन एज डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, यानी फूट डालो और राज करो, दो राजाओं को आपस में भड़का दो, किसी एक राजा की मदद कर दो, ठीक है, दूसरे राजा को हरा देंगे तो उसकी प्रॉपर्टी ले लेंगे, उसके बाद जिस राजा की आपने मदद की उसे भी बाद में आप हरा दो, या फिर वो तो आपका दोस्त है ही, तो इस तरह से धीरे धीरे करके एक एक करके ब्रिटिशर्स ने हर जगह कब्जा करना शुरू कर दिया। इट हेल्प द ब्रिटिश टू कैप्चर द किंगडम्स ऑफ इंडियन रूलर्स। अनदर बैटल, दैट इज बैटल ऑफ बक्सर, टुक प्लेस इन 1764। इट वॉज फॉस्ट बिटवीन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब ऑफ अवध, नवाब ऑफ बंगाल एंड मुगल एम्परर शाह आलम टू। इसमें भी फाइनली किसकी जीत हुई, ब्रिटिशर्स की, क्योंकि उनके पास एक बहुत ही ज़्यादा मजबूत आर्मी थी। ऑलराइट, दस बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन फाइनली केम अंडर ब्रिटिश, धीरे से पूरा बंगाल जो है उनके कब्जे में आ गया। Even their victory in the Battle of Buxar, the British started extending their territories through various policies. धीरे धीरे अलग अलग तरह की policies, अलग अलग तरह के प्रचार करते करते ब्रिटिशर्स ने जो है दूसरे किंगडम्स को भी, दूसरे राज्य को भी मिलाना शुरू कर दिया, अपना जो है साम्राज्य वो धीरे धीरे फैलाने लगे। इसमें से एक पॉलिसी थी सब्सिडरी ऑफ अलाइंस, जो कि लॉर्ड रिचर्ड वेल्सली ने इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है। इस पॉलिसी के अंतर्गत क्या होता था कि इंडियन रूलर्स अंडर द कंपनी प्रोटेक्शन हैड टू मेंटेन द ब्रिटिश ट्रूप्स विद इन देयर किंगडम्स, यानी जो किंगडम्स ब्रिटिश आर्मीज़ के साथ मित्रता करेंगे कि हमें इनसे लड़ना नहीं है, लड़ेंगे तो हार जाएंगे, या फिर ब्रिटिशर्स को ज़्यादा पावरफुल समझते, वो कंट्रीज़ ब्रिटिशर्स के साथ हाथ मिला लेती थी, और ब्रिटिशर्स की शर्त ये होती थी कि अगर आप हमारे साथ संधि कर रहे हैं तो फिर हमारी आर्मी का देखरेख, उनका मेंटेनेंस, उनकी देखभाल सब कुछ आप करेंगे, आपका खर्चा है। ऑलराइट,
दिस गेव ब्रिटिश कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ मेनी किंगडम्स. जब आर्मी का देख रेख वो किंगडम कर रहा है तो ऑटोमेटिकली किंगडम में क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, सब कुछ उन्हें पता चल रहा है, राइट. अनदर पॉलिसी वॉज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी थी. अगर किसी भी राज्य के राजा को कोई वारिस ना हो, वारिस मीन्स कोई बेटा या उत्तराधिकारी ना हो, तो फिर ब्रिटिशर्स उस राज्य को अपने आप हड़प लेगी, यानी कब्जा कर लेगी. अगर राजा को अडॉप्ट यानी किसी बच्चे को गोद भी लेना है तो भी वो ब्रिटिशर्स के परमिशन के बिना नहीं ले सकती. ऑलराइट. अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स द ब्रिटिशर्स डिक्लेयर्ड इफ अ रूलर डाइड विद अ नेचुरल हायर ऑफ हिज और हर किंगडम देन इट विल बी टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश. थ्रू दिस पॉलिसी ब्रिटिश वर एबल टू ऑक्यूपाई किंगडम सच एज सतारा, झांसी और नागपुर. इसी पॉलिसी के अंतर्गत कई सारे इंपॉर्टेंट किंगडम्स जैसे झांसी, सतारा, इन सब पे ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया. ऑल राइट. द EEIC वॉज फर्स्ट नोन एज द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंडन ट्रेडिंग विद ईस्ट इंडीज. ठीक है, बाद में इसको शॉर्ट में EEIC यानी ईस्ट इंडिया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से पॉपुलर किया गया. डोमिनेशन ऑफ द ब्रिटिश. धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जब उनकी पकड़ मजबूत हो गई, बहुत सारे राज्य उनके अधीन आ गए, ऑलमोस्ट उन्होंने इंडिया पे कब्जा कर लिया, अब उन्होंने जो है लोगों पे अत्याचार करना शुरू कर दिया. द ब्रिटिश वर इंटरेस्टेड ओनली इन मेकिंग मनी. उनको एक ही काम था कि किस तरह से ज़्यादा मुनाफा कमा सके या प्रॉफिट अर्न कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए. दे फोर्स द फार्मर्स ऑफ बिहार टू ग्रो इंडिगो, अ प्लांट यूज फॉर मेकिंग ब्लू डाई. दिस डाई वॉज यूज इन इंग्लैंड मिल्क क्लॉथ. ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो इंडियन फार्मर्स थे उनको फूड क्रॉप्स की जगह इंडिगो उगाने के लिए बोला कि नील उगाओ. ये जो एक प्लांट था, ये ऐसा प्लांट था जिसमें से नीले रंग का कलर आता था, जिसको हम डाई की तरह यूज़ करते थे. और इस डाई की इंडिया में कोई डिमांड नहीं थी, ये यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा डिमांड में थी. वहाँ के कपड़ों के मिल्स में इस डाई की बहुत ज़्यादा डिमांड थी. तो जो ब्रिटिशर्स हैं वो यहाँ के फार्मर्स को मजबूर करते थे, ज़बरदस्ती उनसे इंडिगो उगाते थे. और इंडिगो उगाने की वजह से क्या होता था, सॉइल अपनी फर्टिलिटी खो जाता था. जिस भी लैंड पे इंडिगो प्लांटेशन उगाया जाएगा यानी इंडिगो का पौधा लगाया जाएगा, उसकी मिट्टी कम्प्लीटली डैमेज हो जाएगी. ठीक है. द फार्मर हैड नो नीड फॉर इंडिगो एज द नीडेड फूड ग्रेन्स टू फीड देमसेल्फ. दे वर फोर्स टू सेल इंडिगो टू ब्रिटिश एट लो प्राइस. एज अ रिजल्ट इंडियन फार्मर्स बिकेम पुअर. जो हमारी इतनी खेत थी वो भी ख़त्म होने लगे और जो फार्मर्स थे, जो रिच थे, समृद्ध थे, वो भी धीरे धीरे क्या होने लगे, गरीब होने लगे. सिमिलरली वीवर्स वर फोर्स टू सेल देयर क्लोथ एट अ वेरी लो प्राइस. जो बुनकर थे, जो कपड़ा बनाते थे, उनसे भी ब्रिटिशर्स ज़बरदस्ती बहुत ही कम दाम पे चीज़ें खरीदते थे, इससे उन्हें भी नुकसान होने लगा. द इंडियन कॉटन इंडस्ट्री वॉज ऑल्सो द विक्टिम ऑफ ब्रिटिश ग्रीड. ब्रिटेन कुड नॉट ग्रो कॉटन ड्यू टू इट्स क्लोन क्लाइमेट बट बिग हैड अ बिग कॉटन टेक्सटाइल मिल्स विच रिक्वायर्ड कॉटन. वहाँ पे तो सर्दियाँ होती थी, इंग्लैंड में ज़्यादातर टाइम जो है सर्दी का मौसम रहता है, विंटर सीजन रहता है, तो वहाँ इजीली कॉटन नहीं ग्रो कर सकते. लेकिन इंडिया में तो ग्रो हो सकता है ना, क्योंकि इंडिया का वेदर बहुत अच्छा है और फेवरेबल है. तो ब्रिटिशर्स ने ज़बरदस्ती यहाँ पर कॉटन उगाया. यहाँ का जो अच्छा कॉटन होता था वो सारा एक्सपोर्ट कर दिया जाता था इंग्लैंड में. ऑलराइट. इन रिटर्न क्लॉथ वॉज शिप बैक टू इंडिया एंड सोल्ड इन इंडियन मार्केट्स. और वहाँ पे जो कपड़ा बनता था यूरोप में वो आता था और वो महंगी कीमत पे इंडियन मार्केट्स में लोगों को बेचा जाता था. द ब्रिटिश डिड नॉट अलाउ इंडियंस टू एस्टैब्लिश देयर ओन मिल्स और फैक्ट्रीज. यहाँ तक कि ब्रिटिशर्स इंडियंस को अपनी मिल या फैक्ट्री लगाने से भी रोक देते थे. अगर कोई ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में जाता था, या तो उसको मार दिया जाता था या फिर उस पर अत्याचार कर दिया जाता था, ताकि आसपास के लोग में डर पैदा हो जाए, वो भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में आवाज़ ना उठा सके. द फार्मर्स, ट्रेडर्स, किंग्स एंड कॉमन पीपल वर डिससैटिस्फाइड विद द ब्रिटिश रूल. दे वॉन्टेड टू आउट द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया. द रिजल्ट ऑफ द डिससेटिस्फैक्शन वॉज द रिवोल्ट ऑफ 1857. यानी कि सब लोग ब्रिटिशर से पीड़ित हो चुके थे, उनके अत्याचार से जूझते हुए थक चुके थे, निराश हो चुके थे, और अब वो दिल से चाहते थे कि ब्रिटिशर्स को यहाँ से धक्के मार के
देश से निकाला जाए। फाइनली उनका जो गुस्सा, उनकी जो पीड़ा, उनका दुख दर्द सब कुछ 1857 की क्रांति के रूप में बाहर आया। रिवोल्ट ऑफ 1857, द फर्स्ट मेजर रिवोल्ट केम इन 1857। इट वॉज रिगार्डेड टू बी इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, पहला संग्राम स्वतंत्रता के लिए। हालांकि ये इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था, लेकिन इस एक क्रांति ने पूरे भारतवर्ष में चिंगारी लगा दी, सब में एक भावना जगा दी कि हाँ, हम भी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ सकते हैं और चाहें तो अंग्रेज़ों को देश से निकाल सकते हैं। क्या हुआ था 1857 में? द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड विद सोल्जर्स अंडर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कई आर्मी मेंटेन होती थी, तो वहाँ पे कई सारे इंडियन सोल्जर्स भी होते थे। ऐसे इंडियंस को भी सिपाही के तौर पे भर्ती किया जाता था। द सोल्जर्स वर अनहैप्पी एज दे वर फ्रीक्वेंटली इंसल्टेड बाय ब्रिटिश सुपीरियर्स। वैसे ही ये जो सोल्जर्स थे, सिपाही थे, ये बहुत दुखी रहते थे क्योंकि जब तब इनका जो है बेइज्जती कर देते थे ब्रिटिश ऑफिशियल्स। वो लोग इंडियंस को मनुष्य की तरह कंसिडर ही नहीं करते थे, ठीक है। दे गॉट लेस पे देन द ब्रिटिश सोल्जर्स एंड हैड नो चांस ऑफ प्रमोशन। इसके अलावा ब्रिटिश सोल्जर्स के कंपैरिजन में इंडियन सोल्जर्स को हमेशा कम तनख्वाह मिलती थी, कम सैलरी मिलती थी, और साथ ही में इंडियन सोल्जर्स को कभी भी हायर पोस्ट पर प्रमोट किया ही नहीं जाता था, प्रमोशन दिया ही नहीं जाता था, सिर्फ ब्रिटिश सोल्जर्स को ही प्रमोशन मिलती थी। अ न्यू राइफल वॉज इंट्रोड्यूस्ड, एक नई बंदूक और कारतूस का इंट्रोड्यूस हुआ, यानी कि उसको इस्तेमाल में लाने के लिए कहा गया। कार्ट्रेजेस फॉर दिस न्यू राइफल वर ग्रीस्ड विद फैट। इसकी जो जो कार्ट्रेज थी उसमें फैट, चर्बी लगी होती थी, ठीक है। द सोल्जर्स हैड टू बाइट द कार्ट्रेज टू ओपन इट, मतलब उसको ओपन करने के लिए सोल्जर्स को मुँह से काट के उसको खोलना पड़ता था। Before it could be fired, word spread out that grease used in the cartridge was of pig and cow fat. लोगों को लगा, मतलब ऐसा एक अफवाह फैल गई चारों तरफ कि जो ग्रीस था, जो चर्बी थी, वो सुअर यानी पिग की थी या फिर गाय की चर्बी से बना हुआ है। और इस चीज़ों ने जो है मुस्लिम्स एंड हिंदूज दोनों को ही अपसेट कर दिया, दोनों ही बहुत ज़्यादा इरीटेट हो गए और गुस्सा आ गया उन लोगों में। दिस अपसेट बोथ मुस्लिम एंड इंडियन सोल्जर्स। द सोल्जर्स रिफ्यूज टू यूज़ द न्यू कार्ट्रेजेस, उन्होंने ये जो नई कार्ट्रेजेस आई थी इनको यूज़ करने से मना कर दिया, ठीक है। दे रिफ्यूज टू ओबे द सुपीरियर ऑफिसर्स। ऑन 10 May 1857 द सिपॉयज ऑफ मेरठ ब्रोक आउट एन ओपन रिबेलियन। तो फाइनली 10 May 1857 को मेरठ के जो सोल्जर्स हैं, यानी मेरठ शहर से क्रांति की लहर दौड़ी, सिपाहियों ने अपने ऑफिसर्स के खिलाफ जो है आंदोलन या क्रांति की घोषणा कर दी। सून द रिवोल्ट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न एंड सेंट्रल एरिया। एक जगह जब आग लगती है तो धुआं तो हर जगह फैलेगा, धीरे धीरे मेरठ से होते हुए मेरठ के आसपास के शहर और शहरों से अलग अलग राज्यों में भी ये जो रिवोल्ट है ये फैलने लगा। द लास्ट मुगल एम्परर एट दिल्ली बहादुर शाह वॉज डिक्लेयर्ड द लीडर ऑफ द रिवोल्ट। बहादुर शाह को इस रिवोल्ट, इस क्रांति का लीडर बताया गया। डिफरेंट लीडर्स लेड द रिवोल्ट एट डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग प्रांतों से अलग अलग लीडर्स ने इस क्रांति में शामिल होना शुरू कर दिया। जैसे झांसी से रानी लक्ष्मीबाई बहुत ही बहादुरी के साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी, इसी तरह नाना साहब, तात्या तोपे, बेगम हजरत महल, ये लोग अवध से, अलग अलग हिस्सों से जो है ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ना शुरू हो गए। और आज भी इन सब के कॉन्ट्रीब्यूशंस को लोग हमेशा याद रखते हैं। द रिवोल्ट वॉज मर्सीलेसली सप्रेस्ड बाई ब्रिटिश रूलर्स। इनिशियली तो ब्रिटिशर्स थोड़े भौचक्के हो गए, हैरान हो गए, वो एकदम से सोच ही नहीं पाए कि जिन लोगों को वो सता रहे हैं वो लोग कभी आवाज़ भी उठा सकते हैं। तो इनिशियली तो वो घबरा गए, थोड़ा सा परेशान हो गए, लेकिन बहुत जल्द उन्होंने अपनी पकड़ मजबूत कर ली और इस क्रांति को पैरों तले कुचल दिया। जिन भी लोगों ने क्रांति की थी, या तो उन लोगों ने खुद को समर्पित कर दिया यानी वो युद्ध लड़ते लड़ते मर गए, या फिर बाद में ब्रिटिशर्स ने उनको पकड़ के मार डाला ताकि बाकी लोग डर जाएं और फिर कभी ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ ना उठाएं।
बहादुर शाह टू सन्स वर किल्ड एंड देयर ब्लीडिंग हेड्स वर पुट एट खूनी दरवाज़ा इन दिल्ली टू क्रिएट टेरर। यानी बहादुर शाह के दोनों बेटों को मार के उनका सर काट के खूनी दरवाज़ा जो कि दिल्ली में है उस पर टांग दिया गया ताकि लोग जो हैं उसको देख के डर जाएं और फिर कभी ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ ना उठाएं। बहादुर शाह हिमसेल्फ वॉज अरेस्टेड एंड डिपोर्टेड टू बर्मा जो कि अब म्यांमार के नाम से, उनको वहाँ पर भेज दिया गया भारत से निकाल के और जेल में बंद कर दिया गया। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर हैंग्ड, कई हज़ारों लोगों को जो है फांसी पर लटका दिया गया। हंड्रेड्स ऑफ पीपल हु हैड टेकन पार्ट इन द रिवोल्ट वर टाइड टू माउथ ऑफ द गन्स एंड ब्लोन अप। और कई लोगों को, जिन लोगों ने इस क्रांति में हिस्सा किया था या ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की थी, उनको तोप के मुँह में जो है गोलों के साथ बांध कर उड़ा दिया गया, ठीक है, ताकि दहशत फैल जाए, लोग फिर कभी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में आवाज़ ना उठा सके। कई गांव भी जला दिए गए, विलेजेस वर बर्न डाउन, द रिवोल्ट कुड नॉट सक्सीड इट्स फाइनल एम। क्रांति शुरू तो हुई लेकिन फाइनली ब्रिटिशर्स को बाहर नहीं कर पाई। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, क्रांति सक्सेसफुल तो नहीं हुई, डेफिनेटली लोग हार गए, कई लोग शहीद भी हो गए, ब्रिटिशर्स फिर से जीत गए, लेकिन ये पहली चेतावनी थी ब्रिटिशर्स को, इसके बाद रास्ता आसान नहीं था। लोगों में ये भावना और ज़्यादा जाग गई कि ब्रिटिशर्स अगर रहेंगे तो इंडिया में वो कभी भी चैन से सांस नहीं ले सकते। इसीलिए लोगों में एक आग सुलगने लगी कि लोगों, ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकालना है, उनसे अपने साथियों का बदला लेना है। द ब्रिटिश सप्रेस द रिवोल्ट वेरी क्रूएली, उन्होंने बहुत ही अत्याचार और बहुत ही अमानवीय तरीके से इस क्रांति को कुचल डाला। आफ्टर द रिवोल्ट हैड बीन पुट डाउन द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज वुंड अप, द ब्रिटिश गवर्नमेंट अज्यूम्ड डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ इंडिया। ब्रिटिश ने पूरे इंडिया को अपने कब्जे में कम्प्लीटली ले लिया ताकि कहीं से भी कोई क्रांति ना कर सके। अ गवर्नर जनरल वॉज अपॉइंटेड एज द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। द इंडियन प्रिंसेस वर अलाउड टू रिटेन देयर किंगडम बट हैड टू वर्क अंडर द स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स। यानी इंडियन किंगडम्स रह तो सकती थी लेकिन उन्हें काम ब्रिटिशर्स के देख रेख या निगरानी में करना पड़ेगा। वो सिर्फ कठपुतली थे, वो कुछ बोल नहीं सकते या अपने आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। हैरेसमेंट ऑफ इंडियन पीपल कंटिन्यूड अनचेक्ड। द रिवोल्ट ऑफ 1857 सक्सीडेड इन अराइजिंग विद इन इंडियन पीपल एन अर्ज टू थ्रो आउट द ब्रिटिश रूल। द लॉन्ग बैटल लास्टेड फॉर नेक्स्ट 90 ईयर्स। ये तो सिर्फ शुरुआत थी, इस एक क्रांति ने लोगों के मन में एक आशा की, उम्मीद की किरण जगा दी कि हमें प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठाना ही पड़ेगा और एक ना एक दिन, चाहे जंग कितनी भी लंबी हो, कितनी भी कठिन हो, इन लोगों को अपने देश से बाहर निकालना ही पड़ेगा। और अगले 90 साल तक बहुत ही बड़ी जंग लड़ी गई एंड फाइनली ब्रिटिशर्स को निकाला गया। ओके, फन फैक्ट, मंगल पांडे वॉज द फर्स्ट इंडियन सोल्जर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल इन द आर्मी। मंगल पांडे वो पहले सिपाही थे जिन्होंने एक्चुअली क्रांति का स्टार्ट किया था, जिस सिपाही ने सबसे पहले जो है राइफल यूज़ करने से मना कर दिया था। सर्टन वर्ड्स दैट वी केम इन दिस चैप्टर, इन्फ्यूरिएट मीन्स किसी को गुस्सा दिलाना, टू मेक एंग्री, एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर गवर्निंग और रूलिंग अ पर्टिकुलर एरिया, हायर मीन्स उत्तराधिकारी, ऑलराइट, डाई मीन्स अ सर्टन कलर इन फॉर्म ऑफ पाउडर और स्पेशल लिक्विड, ऑलराइट, एंड रिवोल्ट मीन्स आर्म्ड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अथॉरिटी। यानी जब किसी के खिलाफ हम हथियार उठा लेते हैं। Now, let's quickly look over the exercises. The British East India Company was formed in 1600 to trade with India. Trade ke purpose, yani vyapar ke purpose se aaye the, British East India Company. Sirajuddaulah was defeated in the Battle of Plassey and British became powerful in Bengal. Bengal pehla province tha jispe un logon ne kabza jamaya, phir dheere dheere baaki kingdoms ko apne adheen kar liya. The revolt of 1857 began in Meerut and spread to the different parts of northern India. Yani shuruaat Meerut se hui aur fir northern India ke kai sari alag alag pranton mein ye phailti chali gayi. The rule of company came to an end after the revolt of 1857 and India came to be under the direct control of British crown. Alright, yani company ka rule khatam ho gaya, British crown yani England ki maharani ke under completely aa gaya tha India. Now let's do the exercises quickly.
First of all, we have multiple choice questions. So let's do them one by one. Dash allowed EAIC to set up their first factory in Surat. So Jahangir allowed them to set up their first factory in Surat. Sirajuddola was defeated in the battle of Plassey. Plassey ke battle mein Sirajuddola ko haraya gaya tha. मैंने आपको बताया था दो बैटल्स हुए थे, पहले में सिराज जीते थे, सेकेंड में सिराज को हरा दिया गया था. थर्ड, ब्रिटिश फोर्स द फार्मर्स ऑफ बिहार टू गो इंडिगो. इंडिगो एक स्पेशल ब्लू कलर का डाई था, नीले रंग का, जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा डिमांड में था. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. फोर्थ वन, द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन 1757, 1758, 1764, 1762. So 1762. Fifth, the cartridges for new rifle was greased with water, fat, sand, chemicals of fat. चर्बी से, ठीक है. Now let's do the fill in the blanks. First, European nations fought among themselves for dash in India for control. ठीक है, कि कौन control करे India के ऊपर या कौन ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड कर सके. उस टाइम पे तो सब ट्रेड के लिए आए थे ना, ठीक है. सेकेंड, डैश टुक प्लेस इन 1764 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ, राइट. बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1764 में. नेक्स्ट, थर्ड वन, इंडिगो प्लांट इज यूज्ड फॉर मेकिंग अ डाई. डाई को बनाने के लिए इंडिगो प्लांट का यूज़ किया जाता है. फोर्थ, डैश वॉज डिक्लेयर द लीडर ऑफ द रिवोल्ट इन 1857. सो यू कैन से मंगल पांडे. नो, नॉट मंगल पांडे. मंगल पांडे वॉज द फर्स्ट सिपॉय. सो नॉट मंगल पांडे, बहादुर शाह. बहादुर शाह, ओके, दैट स्पेस इज ऑल्सो लेस, सो आई एम राइटिंग हेयर बहादुर शाह. He was referred as the leader of the revolt. Last, the Governor General was appointed as the Viceroy of India. Right? Viceroy of India. So children, I hope that you have noted all the exercises. Now, let's do the true and false. Jaldi se true and false karte hain. State whether the following statements are true or false. First one, Sirajuddola became the Nawab of Pondicherry. No, false. He was the Nawab of Bengal. Wo Bengal ke Nawab the, right? Second, Lord Richard Wellesley was the Governor General of India. Yes, he was. Next, Britain could not grow cotton due to its cold climate. It is also true. All right. The farmers, traders, kings and common people wanted the rule of British. This is false. Koi nahi chahta tha ki Britishers raj kare. They wanted to end the rule of British. Khatam karna chahte wo. Fifth, the British government assumed direct control over the affairs of India. Yes. This is true. After the revolt of 1957. Okay. So children, with this we have done all the exercises of your chapter. Question answers you have to do on your own. So I will meet you again soon with a new chapter of your book, where we will study further that what happened after the revolt of 1857. All right, so stay tuned for the new video. I will meet you again soon with a new and interesting chapter which will provide us more knowledge. Okay, so bye bye and take care.